नमस्कार। आपको पता है देश में किसान आंदोलन चल रहा है और पिछले एक वर्ष से किसान सड़कों पर है। किसान तीन कृषि कानूनों के विरोध के साथ ही MSP पर कानून की गारंटी मांग रहे हैं। आपकी जानकारी में होगा किसान तीन कृषि कानून जो है उनमें से एक कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। उसमें सरकार ने अभी संशोधन किया और उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधित अधिनियम 2020 बना दिया है। हालांकि बीच बीच में पहले भी इस कानून में संशोधन होते रहे हैं, लेकिन अब जो संशोधन हुआ ये बड़ा घातक है। इस कानून के तहत बहुत सारी बहुत अच्छे उद्देश्य देश के लोगों के लिए रहे हैं। सबसे अच्छी जो उद्देश्य इस कानून के हैं वो है कालाबाजारी को रोकना और जो लोगों का अवैध भंडारण करने का कारोबार रहता है उस पर पाबंदी रखना, महंगाई को नियंत्रित रखना और इसके अलावा मांग, आपूर्ति, उत्पादन और बिक्री, इन सब चीज़ों पर नियंत्रण रखना। ऐसे बहुत अच्छे उद्देश्यों के साथ ही कानून भारत सरकार ने बनाया। उसके बाद भारत सरकार बीच बीच में संशोधन करती रही, लेकिन अब जो संशोधन किया कोरोना काल में ये बड़ा घातक है लोगों के लिए। इसको बहुत घातक मानकर के ये आंदोलन चल रहा है। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं में बहुत सारी चीज़ों को मान रखा है, जिसमें खाने की चीज़ें हैं, दलहन हैं, अनाज हैं और तिलहन यानी तेल की जो उत्पादन है वो है, दालें हैं, अनाज है, चावल और जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, आलू है, प्याज है। इसके साथ ही जूट के और सूती वस्त्र हैं, पेट्रोलियम की चीज़ें हैं, पेट्रोल वगैरह और उससे उत्पादित होने वाली चीज़ें, साथ में उर्वरक जो खाद है किसानों के काम आता है और अलग अलग सब्जी उद्यानों में काम आता है वो है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें जो व्यक्ति के, मनुष्य के या जीवों के, चारा भी इसमें शामिल रखा गया है। तो जीव जंतुओं के कुल मिलाकर के जिंदा रहने की जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको इस सूची में शामिल किया गया है। और इसलिए कानून का बनना और कानून का ज़रूरी होना कि लोगों के खाने की, पहनने की और ज़रूरी जो चीज़ें हैं, उगाने से संबंधित बीज है, खाद है, पेट्रोल है, तो इन सब पर एक नियंत्रण सरकार का रहे, इनकी कीमतों पर नियंत्रण रहे, इनकी स्टॉक पर नियंत्रण रहे और इनको कहाँ बेचा जाना है, कैसे उत्पादन होना है, इन सब चीज़ों पर सरकार का नियंत्रण रहे, राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों का। तो सरकार ने अब क्या किया, जो मुख्य खाने की चीज़ें जिसमें अनाज है, दलहने हैं और तिलहन है, इसके साथ ही और कुछ चीज़ें जिसमें आलू और प्याज, इनको सरकार ने हटा दिया है, आवश्यक वस्तु की सूची से हटा दिया है। मतलब कि अब कोई भी इन चीज़ों का मन चाहे जितना भंडारण कर सकता है और मन चाहे जितनी रेटें तय कर सकता है। आप बताइए, अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पे देश में जो चंद लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत बड़ा खजाना है, वो लोग देश के अनाज को खरीद लेंगे, गाँव के किसान से सीधा जाके या अपने स्तर से जैसे भी खरीदेंगे, जिस भी भाव में खरीदेंगे, उसके बाद उसका भंडारण करेंगे। अभी आप देख रहे हैं खाद का कालाबाजारी हो रही है, तो जिनके पास है वहाँ से किस तरीके से वो, क्योंकि शॉर्टेज है, तो शॉर्टेज की वजह से और ज़्यादा शॉर्टेज पैदा करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट पाना है तो उसको कहीं से भी इधर उधर से ले लिया जाएगा और स्टॉक करके उसको बेचा जा रहा है। ऐसे ही कंपनियाँ अपने कम दामों में खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा करेंगी, स्टॉक करेंगी और उसके बाद में उनकी मन चाहे जितनी रेटों पर बेचेंगी। तो बताइए कितनी भयंकर कालाबाजारी बढ़ेंगी, कितना भयंकर गरीबी का हालत हो जाएंगे, महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी और साथ ही खाने की चीज़ों का बहुत भयंकर अभाव होने वाला है। ऐसे में एक और संकट पनपेगा जो बहुत खतरनाक है। मान लीजिए कंपनियाँ ही किसानों का उत्पादन खरीद लेगी और उसके बाद जब सरकार उत्पादन खरीदने जाएगी, जैसा कि आप देखते हैं कई बार मंडियों में कई चीज़ें अलग से बिक जाती है और सरकारी कांटे पर नहीं बिकती है, मतलब सरकारी कांटे से भी ज़्यादा में कहीं कोई खरीद लेते हैं तो सरकारी को नहीं मिल पाती। ऐसे में जो कंपनियां हैं अनाज को और खाने की चीज़ों को खरीद लेंगी, उसके बाद सरकार खरीद ही नहीं पाएगी। FCI का जो स्टॉक है, जो राशन के जो गेहूं खाते हैं, राशन का चावल खाते हैं, उनके लिए तो सरकार खरीद ही नहीं पाएगी, खरीदेगी भी तो बहुत महंगा खरीदेगी। अब मान लीजिएगा आज गेहूं का भाव 1975 रुपये है
और कंपनी से सरकार को उसी चीज को महंगा खरीदना पड़ रहा है, तो क्यों खरीदेगी सरकार? सरकार ये चाहेगी कि 1975 रुपए नगद दे दिए जाए जिसको देना है। ऐसे में निश्चित ही पक्का है आप शोर रहे इस बात को लेके कि आपका जो राशन की चीज़ें आपको मिल रही थी वो निश्चित तौर पर मिलना बंद हो जाएंगी। तो देश के लगभग 80 करोड़ जो लोग हैं जिनको 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, 1 रुपये किलो में चीज़ें मिल रही थी, वो जिंदा थे, उनके सामने जीने का संकट खड़ा होने वाला है। ये तो मानिए किसान आंदोलन से थोड़ा ब्रेक हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा होल्ड कर दिया कानूनों को, और थोड़ा सा जो कंपनियां वो भी अभी थोड़ा सा लूज मोड में हैं। जब ये कानून पूरी तरीके से देश में लागू होंगे, कंपनियां पूरी तरह से प्रभावी होंगी, विदेशी कंपनियां प्रभावी होंगी, निश्चित तौर पे हम सब के सामने भयानक संकट आने वाले हैं और बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। अभी इस कानून के तहत बड़े अच्छे प्रावधान थे, अगर कोई ऐसा कुछ करता पाया जाता है, स्टॉक लिमिट से ज़्यादा रखता है, चीज़ें करता है, तो उस पर 3 महीने से 7 वर्ष तक के कारावास की व्यवस्थाएं थी और उसके लाइसेंस वगैरह निरस्त करने की व्यवस्थाएं थी। लेकिन अब सरकार ने ऐसा करने के बाद से, ये संशोधन नया करने के बाद से बहुत विकराल स्थितियां होंगी। ऐसे में देश के लोगों को वाकई अगर वो अपना रोटी की चिंता करते हैं, अपने बच्चों के रोटी की चिंता करते हैं, अगर उन्हें हेडेक है महंगाई से बचने की, गरीबी से बचने की, कालाबाजारी से बचने की, चोरी से बचने की, तो आपको इस किसान मजदूर आंदोलन में सहयोग करना चाहिए, आपको इस किसान मजदूर आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल आपके और आपके आने वाले बच्चों के लिए होने वाली है। इस रिपोर्ट में इतना ही, धन्यवाद।